आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में रानी लक्ष्मीबाई की सेना दलगत दल की सेनापति अमर वीरांगना झलकारी बाई के बलिदान दिवस पर प्रदेश महामंत्री करवीर सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी भी उपस्थित रहे। अमर कुमार बावरी ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए आपने जो बलिदान दिया वह सदैव नारी शक्ति का प्रतीक और देश के लिए गौरव का विषय रहेगा, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से हमारे देश के महापुरुषों को दुनिया तक आने नहीं दिया गया। आज देश के अमृतकाल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने देश के सभी महापुरुषों को याद किया जा रहा है। अपना इतिहास वीरांगनाओं से वीरों से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्भाग्य था कि देश के इतने दिन आज़ादी के बाद भी ऐसे महापुरुषों का, ऐसे शौर्य वीरों का इतिहास से देश की जनता को लोगों ने वंचित रखने का काम किया है। ऐसे वीरों के कारण ही यह देश महान है, और मोदी जी के आने के बाद जो हमारे अनसंग मार्टियर्स थे, जो भुला दिए गए, जो बिसरा दिए गए हमारे महापुरुष लड़ाके थे, उनका इतिहास खोज खोज कर निकाला गया। झलकारी बाई भी उन्हीं में से एक थी जिन्होंने दुर्गा दल, जो रानी लक्ष्मीबाई जी का सेनापति का दायित्व तो निभाया था, और जय भवानी का नारा दे करके उनके रक्षार्थ अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी वीरता आज भी लोग स्मरण करते हैं। महाराजा चौहरमल जी का भी आज जयंती है। ये सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में, भारत के आज जो स्थिति है, परिस्थिति है, भारत जहाँ खड़ा है, उसमें उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा ने ऐसे महापुरुषों को दरकिनार करते हुए परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम किया है, वहाँ ही उसी को महिमा मंडित करने का काम किया है। आज सही मायनों में भारत के अमृतकाल में मोदी जी के आह्वान पर अनुसूचित जाति मोर्चा ने भी अपने अनसंग हीरोज मार्टियर्स का एक पूरा सीरीज निकाला, उनको खोज खोज के निकाला। झलकारी बाई की जयंती इसी आधार पर बड़े बृहद पैमाने पर अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे देश में मनाती है, झारखंड में भी हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर सभी लोगों को बहुत बधाई है, शुभकामनाएँ हैं, और ऐसे महापुरुषों और वीरांगनाओं का जीवनी हम सबको प्रेरणा देती है अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होकर के संघर्ष करने। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।